सूजी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों, मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजई अहे तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। आप यदि कल्याण चाहते हैं, भगवान की भक्ति चाहते हैं, भगवान से प्रेम चाहते हैं, तो जीवन में दो प्रकार से भक्ति करनी पड़ेगी। पहली भक्ति भागवत महापुराण में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अहेतु की, बिना स्वार्थ की भक्ति। भक्ति में कोई स्वार्थ होना नहीं चाहिए। और हम और आप विचार करके देखें तो बिना स्वार्थ की हमारी भक्ति ही नहीं होती। यदि हम पंडित जी के पास जाएं, पुजारी जी के पास जाएं, किसी ज्ञानी के पास जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर स्वार्थ होता है। ये काम कैसे होगा, नौकरी कैसे लगेगी, ब्याह कैसे होगा, ये सब होता है ना। तो बता देते हैं कोई, भाई यज्ञ करो, भाई पूजा करो, भाई पाठ करो, ये करो, ये करो, वो करो, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ तो है ना। और मैं कहता हूं कि आप शास्त्र में कहीं भी दृष्टि डाल करके देखिए, भगवान के जितने भी भक्त हुए किसी ने स्वार्थ की भक्ति नहीं की। भगवान से किसी ने भी नहीं कहा कि मुझे घर बना दो, मेरे बेटे का ब्याह करवा दो, किसी ने ये नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे करोड़पति बना दो। यदि किसी ने कहा हो तो मुझे दिखाइएगा पुस्तक में कि इस भक्त ने कहा कि मुझे करोड़पति बनना है, मेरे बेटे का ब्याह करवाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं। लेकिन आजकल हमने भक्ति का स्वरूप ही बदल दिया है। स्वार्थ है तो भगवान की पूजा करेंगे, स्वार्थ नहीं है तो नहीं करेंगे। भागवत में इसका विरोध किया गया, नहीं नहीं, स्वार्थ की भक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? स्वार्थ की भक्ति पूरी होने, स्वार्थ की पूर्ति होने के बाद भी खत्म हो जाती है, और स्वार्थ की पूर्ति नहीं होने के बाद भी खत्म हो जाती है। ऐसी भक्ति कभी व्यक्ति को करनी नहीं चाहिए। भक्ति तो वो हो जो निरंतर हो। भागवत में सूत जी महाराज बोले कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, तेल की धार की तरह, पानी के धार की तरह नहीं। पानी के धार को आप पतला करोगे तो खंडित हो जाता है, और तेल की धार को थोड़ा पतला भी करोगे ना तो रेशा सा बनता है, लेकिन जल्दी खंडित नहीं होता। कहने का तात्पर्य, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरहि कोट अपराध। रामायण में गोस्वामी जी बोले, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो भगवान की भक्ति स्वार्थ में नहीं करिए। फिर आप कहेंगे भगवान से कुछ मांगे नहीं। मैं कहता हूं मांगने की जरूरत नहीं है। रामायण में भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं सुग्रीव आदि से, जब विभीषण राम जी से मिलने आए तो सुग्रीव आदि राम जी के पास आए और मुस्कुराकर बोले कि आवा मिलन दशानन भाई, प्रभु रावण का भाई आपसे मिलने आया है, पता नहीं क्या भेद लेने आया है। तो राम जी ने क्या जवाब दिया? राम जी ने कहा, सुग्रीव विभीषण को स्वागत के साथ लाना, देखिए जिससे युद्ध होना है, और उसका भाई यदि राम जी से मिलने आ रहा है तो राम जी क्या कह रहे हैं, स्वागत के साथ लाना। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप स्वागत के साथ लाना? तो राम जी बोले, सुग्रीव सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अघनाश ही तब ही। एक बार जीव मेरे सन्मुख हो जाता है और मेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं भगवान से मांगने की जरूरत है ही नहीं। भगवान की दृष्टि में बने रहिए। क्या रहिए? भगवान की दृष्टि में बने रहिए। जैसे आप एक्सरे मशीन के सामने जाते हो और आपका एक एक नस वह मशीन दिखा देता है पिक्चर में, तो कहते हैं जब भगवान की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है ना, तो जीवन की एक एक बातों को वह दृष्टि देख लेता है कि इस बच्चे को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए।
मांगने की जरूरत नहीं है। वनवास के समय में राम जी को नारद जी मिले हैं और नारद जी उस समय में जिस समय में सीता जी का हरण हो गया है, राम जी से प्रश्न कर दिए कि प्रभु एक बात बताइए, शंकर भगवान विवाह नहीं करना चाह रहे थे, आपने जबरदस्ती करवाई और मैं तो आपसे हाथ जोड़कर कहने गया था कि मेरा विवाह करवाओ, आपने मेरा विवाह ही नहीं होने दिया। क्यों? शंकर भगवान आपके इतने प्रिय और मैं ऐसा कैसा हो गया? तब जानते हैं राम जी क्या जवाब दिए नारद जी को। राम जी बोले, नारद करूं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखहिं महतारी। मैं अपने भक्त की रक्षा पिता बनकर नहीं करता, मैं अपने भक्त की रक्षा माँ बन करके करता हूँ। माँ जैसे अपने छोटे बच्चे के प्रति सजग रहती है कि इसके लिए अच्छा क्या है, इसके लिए बुरा क्या है, उसी तरह ईश्वर के सामने हम सभी छोटे बच्चे हैं और वह हमारे प्रति सजग रहते हैं कि इसको क्या देना है और इसको क्या नहीं देना है। राम जी बोले, नारद कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देही सुनहु मुनि जोगी। यदि एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के सामने जाकर कहता है कि मुझे कुछ ऐसा खाना है जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, आप मुझे कह दो खाने के लिए, तो वैद्य कभी भी नहीं कहेगा कि आप इसको खाना है। इसलिए भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, उसकी दृष्टि के सामने बने रहिए। जो आपके जीवन को चाहिए वह निश्चित रूप से मिलेगा और जो आपके लिए नहीं अच्छा है, आपके जीवन को नहीं चाहिए, वो कभी भी नहीं मिलेगा। भले आप सिर फोड़ो, भले आप रो, भले आप चिल्लाओ और ये कहो भगवान तुम्हारी सुनते ही नहीं। क्यों सुनेंगे भाई? आपके लिए अच्छा ही नहीं है तो क्यों सुनेंगे?